इस परम पावन मंदिर स्थली के स्थान पर पहले एक बगीचा था। बाबा यहां स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल करते थे। इसी स्थान पर बाबा ने अपने जीवन काल में ही नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बापू साहेब बूटी के हाथों अपने समाधि मंदिर का निर्माण करवाया। बापू साहेब बूटी बाबा के परम भक्त थे। उनकी बाबा के चरणों में स्थायी रूप से रहने की इच्छा हुई। उन्होंने थोड़ी सी जमीन खरीद कर एक वाड़ा बनाने का विचार किया। इसी विचार में बाबा की एक विचित्र लीला छिपी थी, जो बाद में समाधि मंदिर के रूप में भक्तों के लिए बाबा के प्रेम का स्मारक बना। वाड़ा लगभग तैयार था कि बाबा गंभीर रूप से बीमार हो गए। अंतिम क्षणों में बाबा के वे शब्द, मुझे बूटी के वाड़े में ले चलो। तब उस परम पावन साईं देह को गर्भगृह में रखा गया। जहां पहले श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना होनी थी, वहां बाबा की समाधि बन गई और ये बूटीवाड़ा समाधि मंदिर। बाबा के महासमाधि लेने के 34 वर्ष बाद 29 सितंबर 1952 सुबह 11 बजे ठीक उसी मुहूर्त में जब बाबा ने महासमाधि ली थी, यहां मंदिर में स्वर्ण कलश और गोपुरम की स्थापना की गई। 7 अक्टूबर 1954 दशहरे के दिन मुंबई के बालाजी वसंत तालीम के द्वारा बनाई साईं बाबा की इस संगमरमर की प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा साईं शरणानंद जी द्वारा की गई। इससे पहले समाधि पर बाबा का श्वेत श्याम चित्र रखा था। बाबा के ये वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। आज बाबा सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन समाधि के दर्शन करने से भक्तों को विश्वास होता है कि बाबा यहीं हैं, हमारे पास, बस पुकारने भर की देर है। बाबा ने कहा था, मेरा भक्त चाहे 7 समंदर पार ही क्यों न हो, वो शिरडी को ऐसा खींचा चला आएगा जैसे धागे से बंधी चिड़िया। बाबा आज भी असंख्य भक्तों को अपनी ओर खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बाबा का दरबार बिना किसी धर्म, जाति और पंथ के भेदभाव से आज भी सभी का स्वागत करता है। बाबा का मूल मंत्र, सबका मालिक एक, सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। बाबा संत कबीर दास की तरह हमेशा ही रूढ़िवाद और अंधविश्वास के खिलाफ रहे। बाबा कभी किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़े। उन्होंने संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्म मानवता को अपनाया और मानव कल्याण को अपना कर्म बनाया। बाबा का मूल मंत्र बाबा की इस अनोखी लीला में भी झलकता है कि बाबा इस मंदिर में प्रतिमा और समाधि दोनों ही रूप में विराजमान हैं और हर धर्म और जाति के भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहां नतमस्तक होते हैं। बाबा अपनी गादी पर आज भी विराजमान हैं। यहां आने वाले हर भक्त की पुकार सुन रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। जरूरत है तो बस श्रद्धा और सबूरी की। श्रद्धा और सबूरी ही जीवन की हर कठिनाई में हमें सहारा देंगे। बाबा ने कहा, ईश्वर प्रेम है और ईश्वर को पाने का मार्ग भी प्रेम है। हर प्राणी में ईश्वर का वास है, सबसे प्रेम करो। बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पण कर
श्रद्धा और सबूरी के साथ उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहें, तभी हम हमारे भगवान हमारे सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंच पाएंगे। साईं भक्तों के लिए चारों धाम शिरडी में ही हैं। शिरडी ही उनका पंढरपुर, तिरुपति, काशी और काबा है, और साईं ही उनके राम, कृष्ण, अल्लाह, यशु और नानक रूप हैं, जो आज भी हर क्षण अपने भक्तों के साथ हैं। बाबा की इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही उनकी जीवंत उपस्थिति की अनुभूति होती है और ये शब्द गूंजने लगते हैं, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, यद्यपि मैं देह त्याग भी दूंगा परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी, केवल मैं ही नहीं मेरी समाधि भी तुमसे वार्तालाप करेगी, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे उनके साथ वो चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा, तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। साईं मरणातीत हैं, साईं अजर अमर व पुरातन हैं, साईं जड़ चेतन संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। पहले बाबा शिरडी में रहकर लीलाएं करते थे, आज अपने मंदिरों और चित्रों के माध्यम से कर रहे हैं। आज भी बाबा जीवंत हैं और सानंद आशीर्वाद देते हैं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो आपने देखा, ऐसे हैं हम सब के साईं बाबा, सदैव अपने भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर। सभी का मानना है कि जब भी कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से अपने साईं को याद करता है, वहीं उसी वक्त वह अपने साईं को अपने करीब भी महसूस करने लगता है। बाबा सर्वव्यापक हैं, अनंत शक्ति अनंत समय से हम सब के बीच मौजूद है। भरोसा रखें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और सबूरी धैर्य से जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहें। ओम श्री साईनाथाय नमः।